मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में 3 अति महत्वपूर्ण पुल का निर्माण जल्द ही करा लिया जाएगा, यह दावा गायघाट के विधायक निरंजन राय ने की है। उन्होंने आज A2Z न्यूज लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है। गायघाट एवं बंदरा प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों को, कई पंचायतों को इससे लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा है कि बागमती एवं लखनदई नदी के 3 घाटों पर काफी पहले से पुल निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका था। A2Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, बागमती नदी की उपधारा खजुरी में यहां पुल निर्माण की मांग की जा रही थी, यहां पुल निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकेगी। देखिए, चिर परिचित मांग रही है गायघाट प्रखंड के अंतर्गत जो 2-3 पुल है, मतलब बहुत ही लोगों के लिए आवागमन के लिए इतना जरूरत है कि उसकी, हमको लगता है जिस समय से 1995-96 से उसकी मांग चली आ रही लोगों के द्वारा, लोग वहां के जो जनप्रतिनिधि चुने गए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, लोग आश्वासन देते आ रहे थे, लेकिन आज तक किन्हीं लोगों ने उस पर अमल करने का काम नहीं किया। हम चुनाव जीतने के बाद जो पहला विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ फरवरी मार्च में, तो हमने सबसे पहले ये 3 पुल, एक तो गायघाट से बंदरा की दूरी, अगर जैसे गायघाट से बंदरा प्रखंड की दूरी, दोनों प्रखंड की दूरी, खजुरी में जो पुल बन जाए खजुरी घाट पे, तो 8-9 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, मतलब तो सीधा प्रखंड से प्रखंड जुड़ जाएगा। किस नदी पर पुल बनेगा? ये नदी है लखनदेई बागमती का ही जो छोटा छोटा नदी निकला हुआ उपधारा है उस पर है, और इसे मैंने लाखों की आबादी समझिए कि उससे जुड़ जाएगी सीधा, NH 57 से सीधा कनेक्ट होकर के गायघाट प्रखंड से जोड़ करके वो बंदरा प्रखंड को जोड़ दे रहे हैं। इसी तरीके से धोबौली में पुल निर्माण का सपना लोगों के बीच काफी सालों से था। अब तक नेताओं का आश्वासन लोगों को मिल रहा था, लेकिन पुल निर्माण का सपना पूरा नहीं हो सका था। उन्होंने बताया कि धोबौली में भी जल्द ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। दूसरा एक धोबौली घाट पुल है, काफी समय से उसके लिए लोग जो हम बता ही रहे थे कि 95-96 से लोग उस पर अपना आश्वासन देते आ रहे हैं, हर चुनाव के समय में वहां की आम आवाम ये मांग रखती है, धरना पर बैठती है, रोड का घेराव करती है, जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव में जाते हैं वो आश्वासन देते आए और किन्हीं ने अभी तक काम नहीं किया। हमने प्रमुखता से इसको लिया और जो भी विधानसभा सत्र फरवरी मार्च में हुआ उसमें हमने इस दोनों पुल पर क्वेश्चन भी किया, गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति के हम सदस्य हैं, संकल्प के रूप में हमने उस दोनों पुल को रखा उसमें, और वहां से उस पर अभी काम शुरू हो गया है, उसका सर्वे होके चला गया, DPR बनाया जा रहा है, फरवरी कह रहे हैं अक्टूबर के बाद जी हमको लगता है कि उस पर फिर तैयार हो जाएगा और वो बनने की प्रक्रिया में, टेंडर की प्रक्रिया में। इसी तरीके से बागमती नदी के रजुआ में पुल निर्माण का मांग काफी साल पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू भी हुई थी, किसी कारणों से यहाँ पुल निर्माण की प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकी, जिसके वजह से इस इलाके के लोगों को पुल निर्माण का सपना पूरा नहीं हो सका। एक और महत्वपूर्ण पुल जो रजुआ पुल है, लदौन रजुआ टोला पुल, उस पे समझिए कि काफी समय से मतलब इतना महत्वपूर्ण पुल वो भी है, वो भी काम रुका हुआ था, उस पर भी काम नहीं हो पा रहा था। हमने उसके लिए भी क्वेश्चन किया, शून्यकाल में भी प्रश्न उठाया कि जो पहले से पुल का जो उसमें कुछ काम किया था, जो टेंडर पहले हुआ और ठेकेदार छोड़ के भाग गया, जिस वजह से यह पुल धंस गया या वो पिलर वगैरह धंस गया था, कुछ परेशानी हुई थी जी। उसके बाद से फिर आ जाती पड़ा आ गया। हमने जब क्वेश्चन किया तो फिर उसके बाद उस पर वहाँ से इंजीनियर्स की टीम गई, वहाँ से लोगों ने फिर से सर्वेक्षण किया, फिर अभी नया DPR तैयार करके उस जगह से अलग हटा करके एकदम बिल्कुल फ्रेश यहाँ से वहाँ तक के दोनों तरफ वो एक उस नदी में, बागमती नदी में जी, वो पुल के निर्माण की वो प्रक्रिया शुरू हो गई है अक्टूबर के बाद से होगी। या लगता है आचार संहिता से उसको मतलब नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आचार संहिता के बाद निश्चित रूप से उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये 3 पुल गायघाट में अति महत्वपूर्ण मतलब पुल है, जिससे कि काफी बड़ी आबादी को सीधा मतलब आवागमन से मैंने उसके लिए सुलभ हो जाएगा, गायघाट के विकास में बल मिलेगा, बहुत 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 कितने गांव को फायदा होगा, गांव को मत कहिए, पंचायत को कहिए, कितने पंचायत
लाखों की आबादी हम कह रहे हैं इसमें जुड़ जाएगी सीधा, यहाँ से प्रखंड से प्रखंड जुड़ेगा। अब देख लीजिए कि हमारे विधानसभा में 3.25 लाख लगभग वोटर है, आबादी जोड़ लीजिए ना, सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी और प्रखंड से प्रखंड दो प्रखंड को सीधा जोड़ दे रहा है। गायघाट विधायक निरंजन राय ने दावा किया है कि खजरी धोबौली एवं रजुआ घाट पर जल्द ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की मांग विधानसभा में भी उठाई गई थी, शून्यकाल में उन्होंने यह मामला उठाया था। अभियंताओं की टीम के द्वारा खजरी धोबौली एवं रजुआ में पुल निर्माण से संबंधित स्थलों की जांच भी की गई है, आवश्यक रिपोर्टिंग भी की गई है। बरसात के बाद यहां जल्द ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू करा ली जाएगी।